नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सभी का दोस्त सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की जो मैचेस है वो किस तरह से टेलीविज़न पर देखे जा सकते हैं और कौन से रेडियो चैनल्स पर इस लाइव मैचेस का प्रसारण किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तो सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगी, तो स्टे ट्यून्ड रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर पहली बार आप हमारी इस वीडियो को इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अनमोल के एनालिसिस और ड्रीम इलेवन की जो टीम है वो लगातार आपको मिल रही है कबड्डी की, तो आप कबड्डी का भी मज़ा लीजिए क्योंकि कबड्डी के पंगे जो होते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं। तो अनमोल जी लगातार आप सभी के लिए वीडियो ला रहे हैं और रिस्पांस भी आपको उसी तरह का करना चाहिए क्योंकि वो लगातार दिन रात आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ क्योंकि जिस तरह से वो वीडियोस बना रहे हैं, हर दिन वो वीडियोस बना रहे हैं आप सभी के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत आज से हो रही है, बस अब कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होगा श्रीलंका और नामीबिया के बीच। और नेक्स्ट जो मुकाबला होगा वो होगा नीदरलैंड और यूएई के बीच। तो ये सारे मैचेस आपको लाइव सुनने को मिलेंगे रेडियो पर। ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से ही शुरुआत करूं क्योंकि उनके पास ऑडियो राइट्स है और वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कई रेडियो चैनल्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, पर सबसे पहले जो मेन है वो है एबीसी स्पोर्ट्स, उनका मेन चैनल है जो कि जिसके पास ऑडियो राइट्स है उसके और ऑफिशियल ऑडियो ब्रॉडकास्टर है वो। तो एबीसी स्पोर्ट्स आप सभी के लिए ऑस्ट्रेलिया में ला रहा है। उसके अलावा 11/16 जो कि वर्ल्ड कप का लाइव टेलीकास्ट करने वाला है, वहाँ पे आपको बेहतरीन रेडियो कमेंट्री सुनने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में तो FM 106.2 ऑब्वियसली आप सभी के लिए एक बेहतरीन कमेंट्री ला रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यूके की तो BBC 5 लाइव स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा, वो भी आप सभी के लिए एक बेहतरीन कमेंट्री ला रहा है, रेडियो कमेंट्री, अंग्रेजी कमेंट्री। और BBC और ABC ये दो चैनल्स ऐसे हैं जहां आपको ऑडियो राइट्स का मज़ा मिलेगा, मतलब ग्राउंड का वो सारा एक्शन आपको सुनने को मिलेगा। उसके अलावा 11/16 ये ऐसा चैनल आपको ग्राउंड का सारा एक्शन वहां पे सुनने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ UAE की तो UAE में रेडियो 489.1 FM यहाँ पर मैचेस को कवर करने वाला है। और उसके अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश में ABC रेडियो जो है वो लाइव मैचेस आप सभी के लिए बांग्ला कमेंट्री में लेकर आने वाला है। और टेलीविज़न में ऑब्वियसली स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास सारे राइट्स है, तो स्टार स्पोर्ट्स आप सभी के लिए मैचेस को कवर करने वाला है। और हॉटस्टार पर तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, मतलब जिनके पास ना ऐप्स ना कुछ अवेलेबल है, तो उनके लिए डिजिटल टू स्पोर्ट्स जो है वो लाइव कमेंट्री ला रहा है। देखिए मैं जो भी आपको कंटेंट बताता हूँ वो ऐसे कंटेंट बताता हूँ जिसमें आपको बोरियत फील ना हो। डिजिटल टू स्पोर्ट्स इस बार जो इंग्लिश कमेंट्री लाने वाला है वो कमेंट्री इस तरह की लाने वाला है आप सभी के लिए कि ऑडियो मतलब ऑडियो राइट्स उनके पास भी है, तो वहाँ से भी आप ग्राउंड का जो सारा एक्शन है वो प्रॉपरली सुन सकते हैं, मतलब वो स्टंप माइक के पीछे की खिलाड़ियों की आवाज़ वो सारी आप डिजिटल टू स्पोर्ट्स इस चैनल पर सुन सकते हैं। लेकिन डिजिटल टू स्पोर्ट्स की जो हिंदी कमेंट्री होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, मतलब अच्छी होती है पर पर्सनली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती। इसलिए अगर मुझे अगर कभी सुनने को
पढ़ा तो ऑब्वियसली मैं तो अंग्रेज़ी में ही सुनूंगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा एक्शन, वो बैट वाट का बेहतरीन आवाज़ वगैरह वहाँ पे आता है, तो वो अच्छा भी लगता है। तो ऑब्वियसली इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो करेगा, बट कल से नहीं करने वाला है। उसकी ऑफिशियल डेट मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक्स और शेयर काफ़ी कम हो रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।